अब ये तो शहर की व्यवस्था रही, अब बुद्धि से विवाह करके हालत ये हो गई कि पुरंजन ही रोवे तो पुरंजन रो गए। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हमारी मति है वही बन गई श्रीमती, हमारी धर्मपत्नी। तो अब बुद्धि के इशारे पर हम लोग नाच रहे हैं। हमारी बुद्धि ने कह दिया कि चलो कथा सुने आवे, तो आप चले कथा सुनने आ गए। और बुद्धि ने कह दिया अरे वे ही सब कथाएं हम सब सुनी सुनाई है, काय को समय बर्बाद करो, तो नहीं आए। कथा में कीर्तन हो रहा है और बुद्धि ने कह दिया चलो थोड़ा नाच लिया जाए, तो ठुमुक ठुमुक के नाचने लगे। और बुद्धि ने कह दिया नहीं नहीं आश्रम वाली बात है, नाचना न जाने ठीक लगेगा कि नहीं, चुपचाप शांति से बैठे रहो, तो चुपचाप बैठे रहे। तो जैसा जैसा बुद्धि कह रही है आप वैसा ही वैसा कर रहे हैं, बुद्धि का ही निर्णय आप मान रहे हैं। तो ये वही है देवी जी जिसके सारे पर सारे पुरंजन नच रहे हैं। बोलो राधे। ये तो रही शहर की व्यवस्था, अब ये जरा देवी जी कौन है भाई जिससे कोई विवाह करना नहीं चाहता? बोले उस जरा देवी का नाम है वृद्धावस्था। बोलो है कोई संसार में जो बुढ़ा होना पसंद करे? कोई पसंद नहीं करता। जरा नाम बुढ़ापा, वृद्धावस्था को कोई पसंद नहीं करता। तो वृद्धावस्था बड़ी दुखी, महाराज हमको कोई अपनाना ही नहीं चाहता, तो हम कहां जाएं? चंड वेग ने कहा हमारे पास आओ, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। मेरे पास गंधर्वों की एक सेना है, 360 काले और 360 गोरे। तो काले गोरे सैनिक कौन है? संबत सरो चंडवेग, ये जो काल चक्र है वही चंडवेग गंधर्वराज है, जिसके पास दिन और रात रूपी काले और गोरे सैनिक है। दिन है गोरे सैनिक और रात्रि काले, रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है। तो काली काली गंधर्वियां और गोरे गोरे गंधर्व, यही 360 गोले और गोरे और काले सैनिक और सैनिकाओं के सहयोग से जरा देवी ने सारी सेना को और पुरंजन के शहर पर आक्रमण बोल दिया, पकड़ के लाओ पुरंजन को। हम लोग सब पुरंजन हैं इस पुरी में। कब आक्रमण हो गया? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था जब सारी सेना के साथ आक्रमण, हमारे शहर पर आक्रमण हो रहे हैं पर हमको कहां पता चल रहा है? सैनिक समरते जा रहे हैं। बुढ़ापे में क्या होता? आंखों से दिखना बंद, एक सैनिक मारा गया, धीरे धीरे अब कानों से भी सुनना बंद, दूसरा भी गया, अब धीरे धीरे पैरों से भी चलना बंद, ये भी गया, अब धीरे धीरे लेना देना भी। वो जब काल देवी का जरा देवी का आक्रमण होगा तो सब ठंडे पड़ जाएंगे। और पुरंजन को पता ही नहीं चला कि आक्रमण शहर पर हो गया, वो महलों के भीतर सो रहे हैं। इसी प्रकार आप और हम भी महलों में सो रहे हैं, किसी को पता चलता है कि बुढ़ापा का आक्रमण हो चुका है? आपने अपने जीवन की बहुत सी तारीखें याद कर रखी होंगी। कौन सी तारीख में पैदा भाई बता सकते हो? किस तारीख में शादी करी बता सकते हो? किस तारीख में बच्चे पैदा हुए वो भी बता सकते हो? पर किसी बुड्ढे से पूछा जाए बाबा किस तारीख में बुड्ढे भय, बोलो कोई बता सकता है? बुड्ढे सब होते हैं पर कब हुए, किस तिथि में हुए, बुढ़ापे की तारीख कोई नहीं जानता। क्योंकि वृद्धावस्था धीरे धीरे इस ढंग से आक्रमण करती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि आक्रमण कब हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याजा पिंडम, के शरीर पर जब जरा देवी का आक्रमण हो जाएगा सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, मुंह पोपला हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, और फिर भी डंडा लिए घूमते फिरोगे। आशा का पिंड संसार का फिर भी नहीं छूटता, इसलिए गोविंद का भजन करो। तो जरा देवी ने महलों में भीतर घुस के पकड़ लिया पुरंजन, और इसी प्रकार से हम एक पुरी से दूसरे पुरी में पुरंजन घूमते फिर रहे हैं, पर जहां से आए हैं वहां लौटने का ध्यान ही नहीं। अरे भाई आप सूरत से आए हो अपना घर छोड़ करके सुखताल, अब आराम से रहो, घूमो फिरो, दो लोग कहीं भी जाओ, चलो यहां तक आए
एक दिन हरिद्वार भी घूम आते हैं, ऋषिकेश भी डोल आते हैं, सब जगह घूमो, पर घूमने फिरने के बाद घर तो कम से कम याद रखो कि लौट के घर भी वापस पहुंचना है। जो यात्री घर को ही भूल जाए वो तो भटक जाएगा, पागल हो जाएगा। ऐसी हम सब पुरंजन जिस घर से निकले हैं उस घर को भूल गए, इसलिए भटकते फिर रहे हैं। आज मानव शरीर मिल गया, हो सकता है फिर लुढ़क जाए। अरे मानव शरीर के बाद तो आप बुद्धिमानी से घर लौट सकते हो, परंतु नहीं लौट पाए तो फिर भटक जाओगे 84 शहरों में, 84 लाख शहर है। परिणाम क्या होगा? पुरंजन भी भटक रहा था, कभी किसी देह में कभी किसी देह में। घर वापस कब पहुंचा? जब पुराना मित्र ही पंडित बन के आ गया, हाथ पकड़ के समझाने लगा, तू मेरा साथी है, मेरा मित्र है, और घर से घूमने निकला था, अभी तक घर नहीं लौटा, चल अपने घर। तब जब ज्ञान हुआ तो पुरंजन साथी के साथ घर गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग तब तक भटकते रहेंगे जब तक परमात्मा स्वयं ही किसी श्रेष्ठ संत सदगुरु के रूप में प्रकट होके पधारें और हमको हाथ पकड़ के समझावें, घर की याद दिलावें। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जब अपने घर की याद दिलाता है कोई संत कोई सदगुरु, तो सत्संग में जब घर की बातें सुनते हैं तब घर याद आता है। और ये पुरंजन रूपी जीवात्मा सब प्रपंच को छोड़ करके अपने साथी के साथ घर लौट जाता है। इसलिए परमात्मा किस रूप में आए? अभिज्ञात पंडित जय बन के आया था पुरंजन को लेने। ऐसे ही परमात्मा मुरली मनोहर बन के नहीं आएगा, न जाने के भेष में नारायण मिल जाए। पुरंजन नहीं पहचान पाया अपने साथी को, पर अभिज्ञात पहचान गया। ऐसे ही परमात्मा सदगुरु के रूप में वेश बदल करके आता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म ही तो सदगुरु के रूप में आत्मज्ञान कराने आया है कि तू क्या है और अपने को क्या समझे बैठा है, कहां भटकता फिर रहा है। परदेश परदेश ही होता है, घर घर ही होता है, और जब तक हम परदेशी घर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक विश्राम कभी नहीं मिलने वाला। घर झोंपड़ी का भी होगा तो चैन की नींद आएगी, अपना घर है, और परदेश की सुविधाएं तो 2-4 दिन की हैं। 2-4 दिन तो अच्छा लगता है और चैन घर में मिलता है। ऐसी जब तक हम लोग अपने घर को याद करके घर नहीं पहुंचेंगे तब तक जीवन में किसी जीव को कभी विश्राम मिलने वाला नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस बात को सुनकर के तो प्राचीन वर ही गदगद हो गए। नारद जी से बोले, गुरुदेव आपने तो मेरे घर की याद दिला दी, मैं कौन हूं क्या हूं आपने पहचान करा दी। नारद जी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया और प्रस्थान किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता गण हुए, जिन प्रचेता गणों ने कठोर तपस्या करके नारद जी से एक दिन पूछा, बाबा ये बताओ भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का उपाय क्या है। नारद जी कहते हैं, 3 बातें जीवन में उतार लो, प्रभु तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। 3 बातें कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्याच तुष्यत्यासु जनार्दन सर्वेन्द्रियोपशान्त्याच तुष्यत्यासु जनार्दन। जनार्दन आसु पुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कब? पहला सूत्र, सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र पर दया कर, प्राणी मात्र पर, व्यक्ति विशेष पर या जीव विशेष पर दया करोगे तो मोह के बंधन में बंध सकते हो। और सर्वभूतेषु दयया, जितना प्यार हम अपने बच्चे से करते हैं उतना ही प्यार प्रत्येक बच्चे से हो जाए तो प्रेम व्यापक हो जाएगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम सीमित होगा तो बंधन में बंधेगा,
और अनंत हो जाएगा तो प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही अंतर है। सर्वभूतेषु दयया, पहला सूत्र। दूसरा, प्रभु ने जो भी दिया है, जितना दिया है, जैसा भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहे। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभु की कृपा का अनुभव करके संतोष करे। हम लोगों की आदत क्या है, जो मिला है वो नहीं दिखता, जो नहीं मिला है बस उसी को ताकते रहते हैं, ये और मिल जाए। जीवन में उसकी कोई, उसका कोई अंत नहीं। आपसे ऊपर भी बहुत हैं और आपके नीचे भी बहुत हैं। तो आप नीचे वालों को देखो तो तुम्हें अपनी ऊंचाई का पता चल जाएगा कि हम कितने ऊंचे हैं, पर हम लोग नीचे देखते ही नहीं, हम तो ऊपर ताकते रहते हैं, इसलिए असंतोष व्याप्त रहता है। संतुष्टिया येन केन वा, भगवान ने बहुत दिया है ये सदा अनुभव करो। लाखों लोग संसार में अंधे हैं, भगवान ने उन्हें आंख नहीं दी, भगवान ने आपको तो बढ़िया आंखें दी हैं, दुनिया को देख रहे हो, तो उन लाखों अंधों से आप श्रेष्ठ हुए कि नहीं? आपकी ऊंचाई आपको कब दिखाई पड़ी, जब हजारों अंधों पर ध्यान गया। लाखों बहरे हैं, सुन ही नहीं सकते, आप तो भगवान की कथा प्रेम से सुन रहे हो, कान दिए हैं ठाकुर जी। लाखों लंगड़े हैं, चल नहीं पाते, घिसट रहे हैं बेचारे, तुम तो दौड़ लगाए रहे हो। अरे स्वस्थ मनुष्य शरीर मिला है तो समझ लो आप लाखों से नहीं, करोड़ों से श्रेष्ठ हो। अब उन लाखों करोड़ों से भगवान ने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया, सुंदर बनाया, सारे अंग आपके स्वस्थ हैं, तो आप कितने ऊंचे पर बैठे हो जरा सोचो। एक व्यक्ति का पैर इतना बड़ा था कि उसके नंबर का कहीं जूता ही नहीं मिलता था, स्पेशल उसे बनवाने पड़ते थे। एक दिन अचानक उसका जूता खो गया, कहीं गिर गया, तो अब दुकान दुकान में ढूंढता फिरे, भैया जूता मिल सकता है? लोग पैर देखते ही हाथ जोड़ लेते, माफ करना, ऑर्डर दे जाओ तो व्यवस्था कर देंगे, नहीं मिलने वाला। कई दुकानें ढूंढी, अंत में दुखी होकर दुकान में बैठा बैठा बोला, भगवान ने मेरे साथ कितना अन्याय किया, ऐसा बड़ा पैर बना के रख दिया, मैं परेशान हो रहा हूं, जूता ही नहीं मिल रहा। बड़बड़ाता हुआ भगवान को, उल्टा सीधा बोलता हुआ, जैसे ही बाहर दुकान के निकला तो एक व्यक्ति के पैर में लकवा मर गई थी, तो हाथों से घसटता हुआ जा रहा था सड़क पे। जब उसे उसने ध्यान से देखा तो तुरंत बोला, हे प्रभु बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, कम से कम पैर तो दिए हैं, बुरे भले जैसे भी सही पैरों पर तो चल रहा हूं, घसटना तो नहीं पड़ रहा। अरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। तो जब अपने से नीचा दिखाई पड़ा तो अपनी ऊंचाई का पता चला। इसलिए संतुष्टिया येन केन वा, जो दिया है प्रभु की उस कृपा का अनुभव करो। और तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, इंद्रियों को चाहे जितना जीवन भर विषय भोग कराओ, कभी वैराग्य होने वाला नहीं है, इनमें संयम के कोड़े ही मारने पड़ेंगे तभी ये घोड़े वश में होंगे। बोलो राधे राधे। तो संयम के साथ इंद्रियों को वशीभूत रखे। इन तीन बातों का जो अभ्यास करता रहे, जनार्दन आशुतुष्यति, प्रभु ऐसे साधकों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद संपन्न। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं, पर पहले भगवान का नाम स्मरण कर लें ताकि थोड़ा सी उदासीनता चली जाए और जोश आ जाए भगवान नाम की महिमा से। देखो भगवान का जो नाम है ना, वो हाजमोला की गोली का काम करता है। भोजन ज्यादा हो जाए तो एक हाथ गोली गटक लेना है, तो पच जाए। तो भगवान नाम से सारा सत्संग का सोना हुआ हृदयंगम हो जाता है, हजम हो जाता है। इसलिए आइए प्रेम से गाइए। अरे मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु
कृपालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया पूरण हो सब काम दयालु दया कर, ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया कर, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया कर। हरि बोल,
हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, भगवान की जय, जय जय श्री राधे। पंचम स्कंद में मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत का चरित्र है। बड़े प्रतापी प्रियव्रत थे। महाराज प्रियव्रत ने विचार बनाया कि रात्रि होनी ही नहीं चाहिए। रात होते ही सब खर्राटे बजा के सोते हैं, पूरे 12 घंटे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इन्होंने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया। अब पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करी तो 7 दिन तक दिन ही बना रहा, रात्रि भई नहीं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, अरे बेटा ऐसा न करो, रात्रि मैंने दी है लोगों को विश्राम देने के लिए। प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, उसका उपयोग करना ठीक से सीखो। समझाने पर प्रियव्रत मान गए, आग्रह त्याग दिए। पर इनके प्रताप से पृथ्वी में 7 दीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। प्रथम द्वीप है जम्मू द्वीप, जिसके हम और आप वासी हैं। इस जम्मू द्वीप के राजा प्रियव्रत के बड़े पुत्र आग्नींद्र बने। आग्नींद्र ने पूर्वचित्ती अप्सरा के साथ विवाह करके 9 पुत्रों को जन्म दिया और अंत में जम्मू द्वीप के 9 खंड करके बच्चों में बंटवारा कर दिया। पहला खंड बना अजनाब खंड, राजा बने नाभि। मेरु देवी कन्या से विवाह करके इनके घर साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी की दिव्य महिमा से इंद्र को जलन होने लगी, राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया। ऋषभ भगवान ने योग बल से अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र को बड़ी लाज लगी, अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया और माफी मांग ली। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। वो इतना प्रतापी हुआ कि इस अजनाब खंड का नाम उसके नाम से भारतवर्ष हो गया। आशीत देनेदं वर्षं भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऋषभ देव जी ने सब बच्चों को बैठा करके दिव्य उपदेश दिया, मानव तन की महिमा बस समझाई और अंत में परमहंस बन के विचरण करने लगे। पागलों की तरह नग्नावस्था में घूम रहे हैं, लोग इन्हें पागल समझ के पत्थर मार रहे हैं। दुनिया की दृष्टि में तो पागल बने डोलते थे, परंतु इनकी अंतर स्थिति इतनी ऊंची थी कि 8 सिद्धियां इनके आगे पीछे हाथ जोड़ के घूमती थी। महाराज हमें दासी बना लो, हमें सेवा का अवसर दो, हाथ जोड़ती थी सिद्धियां। और ऋषभ देव जी ने किसी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया, सबको भगा दिया, ले जाओ जरूरत नहीं। क्यों? संत को सिद्धियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संत को यदि सिद्धि मिल गई तो सिद्धि से फिर प्रसिद्धि बढ़ गई। सिद्धों को प्रसिद्ध होने में देर थोड़ी लगता है। सिद्धियां क्या है? छोटे बन जाना, बड़े बन जाना, हल्के हो जाना, भारी हो जाना, ये सब सिद्धियों के चमत्कार है। अष्ट सिद्धि होते हैं, हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, देने वाले सिद्धियों के नाम अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईसत्व वसत्व एते चाष्ट सिद्धय,
ये आठ सिद्धियां है। अणिमा माने अणु के बराबर बन जाना, महिमा माने पहाड़ जैसा हो जाना, गरिमा माने भयंकर भारी हो जाना, वजनदार, लघिमा माने फूल से भी हल्के हो जाना, ये सब चमत्कार सिद्धियों में है। हनुमान जी महाराज ने दिखाई लंका में जाते समय, मशक समान रूप कवि धरी, मच्छर जैसे, कनक भूधराकार शरीरा, पहाड़ जैसे, जहि गिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पादप प्रहार करते हैं वो पाताल में घुस जावे, इतने भारी हनुमान जी। और इतने भारी हनुमान जी अब अशोक वाटिका के पल्लवों में छुपे बैठे, पत्तों के बीच में, पत्ता भी नहीं टूट रहा, लघिमा हल्के हो गए। सारे चमत्कार हनुमान जी के पास हैं, परंतु बिरले ही कोई संत होते हैं जो सिद्धियों को भगवत सेवा में लगावे। प्राय लोग अपनी प्रसिद्धि में ज्यादा लग जाते हैं, जहां सिद्धि मिली कि अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई, अरे महाराज जी बड़े चमत्कारी, महाराज जी बड़े चमत्कारी, दुनिया पीछे पड़ जाती है, नमस्कार चमत्कार को नमस्कार। और जहां प्रसिद्धि जगत में फैली कि संत फिर अभिमान में ग्रसित हो जाते हैं, और जहां अभिमान ने पकड़ा तहां जिस साधक का पतन प्रारंभ हुआ। तो सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से अभिमान, अभिमान से पतन। इसलिए अच्छा यह है कि सिद्धि से ही दूर रहो, चक्कर में ही न पड़ो। चमत्कार तो जादूगर भी बहुत दिखाता है, संतों को चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई जादू विद्या दिखा के अपनी कीर्ति थोड़ी बढ़ानी है। एक संत तो अपनी, उनकी बहुत कीर्ति हो गई तो परेशान हो गए, दुखी होके बोले, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। दुनिया तो मान बढ़ाई के लिए रो रहे हैं, हमारी बढ़ाई, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई, और प्रतिष्ठा से संत दुखी हो गए। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, क्यों? बोले स्वामी स्वामी बजने लगे, लगन राम से छूटी। स्वामी जी करके जब देखो तब हल्ला ही मचा रहता है हमारे यहां, भगवान के भजन में मन ही नहीं लगता, जब देखो तब भीड़। तो संत मान बढ़ाई से बचते हैं, इसलिए छुपते हैं। आजकल भले ही छपते हो, पर प्रायः संत छुपने का प्रयास करते हैं ताकि दुनियादारी से दूर रहे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। इसलिए यही शिक्षा देने के लिए सिद्धियों को ठुकरा दिया ऋषभदेव जी ने, अंत में परम पद प्राप्त किया। ऋषभ नंदन भरत बने सम्राट, पांच पुत्र हुए इनके, बड़े को सत्ता सौंप करके भरत जी भजन करने चले गए। कुलहाश्रम में भजन करते करते एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने लगे, उसी वक्त एक गर्भवती मृगी पानी पीने आएगी नदी किनारे। मृगी पानी पी रही थी और शेर ने दहाड़ मार दी। मृगी ने घबरा करके छलांग मार के नदी पार करने लगी। जैसी उसने जोड़ की छलांग मारी तो उसके गर्भ का शिशु पानी में पैदा हो गया। पैदा हो बच्चे को करके मृगी का प्राणांत हो गया, वो भी मर गई बिचारी। भरत जी ने जब देखा तो दया आ गई, मार छलांग उस बच्चे को गोद में उठा करके आश्रम में ले आए। इस बिचारे की मैया तो मर गई, अब बच्चा चलो हम ही पाल लेते हैं। तो कुटिया में रह करके जंगल में भरत जी भजन भी करते हैं और बच्चे का भी लालन पालन करने लगे। पर कहते हैं मनीराम का कभी भरोसा ना करे, एक मिनट में ये कहां धोखा दे जाए। मन की गति है अटपटी, झटपट लख है न को, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी। माधव से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाए, और संसार में फंस जाए तो बंधन का कारण बन जाए। चाबी एक ही है, इधर मोड़ दी ताला बंद, इधर घुमा दी ताला खुल गया।
ये मन की चाबी भी ऐसी ही है। मन माधव की तरफ मुड़े तो मुक्ति, संसार की तरह घूम जाए तो बंधन। चीज एक ही है, मन वही है। भरत जी का मन मृग के छोने में अटक गया, भजन भूलते गए, मृग के प्यार में फंसते गए। एक दिन मृग का छोना भाग गया जंगल में, पागल होकर के दीवानों की तरह उसको ढूंढने लगे, कहां गया कहां गया, रोने लगे बिलखने लगे। बहुत ढूंढने पर बच्चा नहीं मिला तो रोते रोते उसी के प्रेम में प्राण त्याग दिए। इतना प्रेम दीवाने हो गए। अगला जन्म मृग शरीर मिला, क्योंकि मृग का ध्यान करके शरीर छूटा। एक देवी जी फोटो खिंचवाने गई स्टूडियो में, बड़ा भारी मेकअप किया, 2 घंटे तक दर्पण के सामने सज समर के गई, परंतु इतना दूर था स्टूडियो कि पैदल पैदल 2 किलोमीटर चलना पड़ा। गर्मियों का मौसम था, हवा भी बहुत तेज थी, आंधी तूफान चल रहा था, तो सकल पे बज गए 12। और जाकर के सीधे कैमरामैन के सामने, जल्दी से फोटो खींच दे, 2 घंटे तैयार होके आई हूं। उसने कहा, मैडम थोड़ा सा संभाल लीजिए अपने केसों को। बोले, हमको मत सिखा, 2 घंटे सज के ही आई हूं, तू तो जल्दी से फोटो खींच। अच्छा ठीक है, खींच दिया फोटो। और जब सामने फोटो आया तो बड़ी लाल पीली हो, ऐसी शकल है मेरी, सब बिगाड़ के रख दिया, तेरे को फोटो खींचना ही नहीं आता, बड़ी नाराज। कैमरा मैन बोला, मैडम मैंने पहले ही कहा था कि आप जरा संभल के बैठिएगा, और तुमने सुनी ही नहीं हमारी। अरे ऐसे कैसे, मैं 2 घंटे संभल के ही तो आई थी घर से। कैमरा मैन बोला, आप घर में कितना सजी इससे मुझे मतलब नहीं, मेरे कैमरा के सामने कैसी थी मुझे उस क्षण से मतलब है, क्योंकि जैसा कैमरा के सामने आप बैठी होंगी कैमरा का फोटो वैसा ही अनुभव किया। और बुढ़ापे में अंतिम समय कहीं मति मलिन हो गई, इधर उधर चिंतन चला गया तो जीवन का फोटो बिगड़ गया, और जिंदगी भर भटके इधर उधर, परंतु अंत काल में यदि अपने मन को संभाल लिया और अंतिम क्षण समर गया चिंतन का, तो समझ लो फोटो तुम्हारा बढ़िया बन गया। क्योंकि अंतिम क्षण जिसके चिंतन में जाएगा, पुनर्जन्म का वही कारण बनेगा। इसलिए अंते यामति सागति, तो फोटो खिंच रहा हो तो जरा संभल के बैठ जाना चाहिए, तो बढ़िया फोटो आवे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जावे। ऐसी जब अंतिम क्षण जीवन का आवे तो सारे जीवन के शुभ कर्मों का परिणाम उसी क्षण समझ में आता है। यदि वो क्षण बन गया तो जीवन बन गया, और वो क्षण कहीं बिगड़ गया तो जीवन सब बेकार हो गया, जीवन भर का करा धरा सब चौपट हो गया। अजामिल जैसा पापी अंत में थोड़ा संभल गया, धोखे से ही सही, कभी कभी धोखे से भी बढ़िया फोटो खींचे जाता है, पता ही ना चला फिर भी। तो अजामिल का ऐसे फोटो बढ़िया बन गया था, परंतु बड़े बड़े बिचारे सिद्ध महात्मा जड़ श्री भरत जी जैसे जीवन भर भजन करते और मरते समय मृग की याद आ गई, सब बर्बाद हो। पर भजन करने वाले का पतन नहीं होता, भगवान उसे आज नहीं तो कल संभाल के रखते हैं। भजन का ये प्रताप था कि मृग शरीर तो भले ही मिला, फिसल तो गए, पर मृग देह में भी याद सब कुछ बनी रही, इसलिए अब इन्होंने किसी से बात नहीं करी। मृग शरीर भी छोड़ दिया, तीसरा जन्म पंडित जी के घर में हो गया, याद फिर भी सारे जन्मों की बनी रही। तो अब ये प्रसन्न इस बात पर हो गए कि अब ब्राह्मण शरीर मिल गया है, और ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्राह्मण शरीर सर्वोत्तम है, इसलिए अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा, दुनिया के चक्र में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। पर जहां पैदा हो गए हैं वहां से निकलना तो पहले बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी थोड़ी जहां कोई निकलने की कोशिश करे तो परिवार के लोग पकड़ लेते, अरे कहां जा रहा है बेटा, तेरे बिना कैसे रहेंगे। तो संसार बड़ा विचित्र है। भरत जी को पूर्व जन्मों की याद रही, इसलिए दुनिया दामिनी में बिल्कुल नहीं फंसे, पर माता पिता बड़ा प्यार करते हैं। अब इन्होंने सोचा इनके झंझट से बचें कैसे, तो अपने को बचपन से ही पागल सिद्ध करने लगे, कोई कुछ कहे और ये कुछ जवाब दे, कभी कोई एक अक्षर याद करके नहीं सुनाया। दुनिया से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है पागल हो जाओ, सचमुच नहीं दिखावटी। और दुनियादारी को पागलपन दिखाओगे तो दुनिया वाले या तो खुद ही भगा देंगे या तुम्हारे बगल में कोई नहीं आएगा, अरे पागल है, निकम्मा है,
बर्बाद हो गया। दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, यदि स्वार्थ सिद्ध होगा तो दुनिया चिपकेगी, और किसी मतलब के न रह जाओ तो अपने आप दुनिया दूर भग जाएगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, दुनिया वाले खुद ही आपको छोड़ देंगे। भरत जी को ये योजना सफल लगी। पिताजी ने कहा, देख बेटा तू ब्राह्मण का बेटा है, कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर ले। अच्छा पिताजी सुनाओ, मैं सीखूंगा आज। पिताजी ने 108 बार गायत्री मंत्र सुनाया, बेटा याद हो गया। बोले पिताजी, जब से आप मंत्र पढ़ रहे हो तब से इस बिल में 9999 चींटियां घुस गई। पिताजी का माथा गरम, नालायक कहीं के चींटियां गिन रहा था तू, मंत्र सुन रहा था। अरे राम राम, इसकी मति बिल्कुल खराब है, मां मूर्ख है। पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी खुश हो गए, पागलपन की मोहर लग गई, तो अब न कोई शादी करने वाला है न दुनिया में फंसने वाले। मन में बड़े खुश हो गए। पिताजी पधार गए, माताजी भी पधार गईं, घर में भैया भाभी रह गए, तो भाभियां इनसे बहुत जलने लगी। पड़ा पड़ा खाता रहता है, कितना सांड जैसा मोटा पड़ रहा है, और काम के नाम पर पागलपन दिखा करके मुक्त हो जाता है। भाइयों ने इसकी खटिया खेतों पर डाल दी, यहीं रहा कर, घर में किसी मतलब का नहीं है तू, सो खेतों पर ही रहने लगे। एक दिन डकैतों के सरदार ने डकैतों से कहा, देखो मैंने संकल्प किया है कि यदि मेरे को बेटा हुआ तो देवी मां को मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। संयोग से उसको बेटा हुआ। डकैतों से कहा, पकड़ के लाओ किसी आदमी को, मुझे बलि चढ़ानी है। डकैत रात में निकले, और तो कोई मिला नहीं, खेतों पर बैठे हुए महाराज जी मिलकर, सो जड़ भरत जी को ही पकड़ के ले गए। इन्होंने बिना किसी विरोध के आराम से उठ के चल दिए। इनको पहले तो नहलाया खिलाया, और फिर देवी मां के मंदिर में जाके बैठा दिया, बाबा करो दंडवत। तो जड़ भरत जी को कोई भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं, क्योंकि शरीर को तो संत लोग चोला समझते हैं, जैसे कपड़ा है, एक फट गया दूसरा मिल जाएगा। तो जड़ भरत जी उसी विशुद्ध अपने आत्म स्वरूप का परिचय जानते हैं, इसलिए सिर झुका के देवी मां के चरणों में आराम से बैठ गए। पर देवी मां ने देखा, ओहो ब्रह्म ज्ञानी मेरे चरणों में सिर झुका रहा है, और ये पापी लोग उसका बलिदान कर रहे हैं। जैसे ही सरदार ने तलवार उठाई, भद्रकाली मंदिर से प्रकट हो गई, और तुरंत तलवार को छीन के सारे डकैतों की गर्दन को काट दिया। बोलो दुर्गा मैया की जय। मंदिर के अंदर का सारा नजारा बदल गया। जड़ भरत जी ने सिर उठा के ऊपर देखा तो सबकी गर्दन कटी पड़ी है। हो देवी मां ने बचा लिया हमको, लगता है अभी प्रारब्ध और भी शेष है, उठ के चल दिए। ये होती है ब्रह्मज्ञानियों की स्थिति, ना डर ना भय ना आतंक ना अपमान, सब द्वंद्वों से परे होते हैं। एक दिन राजा रघुगण पालकी में बैठ के जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए, कि अचानक एक कहार बीमार हो गया। अन्य साथियों ने कहा, अब क्या करें। राजा ने कहा, तो दूसरे को किसी को पकड़ो। सो जड़ भरत जी दिख गए। कहारों ने कहा, ये बाबा इधर आओ। सो लट चले आए। कहो। बोले पालकी में लग जाओ, राजा रघुगण महाराज बैठे हैं। तो जड़ भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया, धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के बाबा को लगा लिया। जड़ भरत जी आराम से चल पड़े। वो तो पहले चल रहे थे, सो अब चल रहे हैं, शरीर में उनकी कोई आसक्ति नहीं, परंतु नीचे देख के चलते हैं कि मेरे शरीर से कोई जीव जंतु न मर जाए। तो चलते चलते इन्होंने पैर रखा, पैर के नीचे चींटा दिख गया। चींटा को देखते एकदम उछल पड़े बचाने के लिए। अब पालकी ढोने वाला छलांग लगावे तो पालकी का हाल क्या होगा। ये उछले और पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का माथा गर्म हो गया। हे मूर्खो, पालकी चलाना नहीं आता, मेरा सिर फोड़ दिया, बहुत दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। कहार घबरा गए। सरकार माफ करना, हमारी गलती नहीं है, ये मोटा तगड़ा बाबा जो अभी अभी लगा है ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, मर मर के तो चलता है और न जाने एकदम क्या हो जाता है, उछल पड़ता है ये। राजा ने कहा, अच्छा। नीचे झांक करके देखा, कौन है ये मतवाला। जो नीचे निगाह डाली तो जड़ भरत जी पर दृष्टि पड़ी। राजा मजाक उड़ाने लगा, अच्छा ये श्रीमान जी हैं, देखो बेचारा कितना पतला दुबला, डेढ़ हड्डी का है, कमजोर है,
इसलिए चल नहीं पा रहा। पूरा बोझा इसी के कंधे पर तो है, तुम लोग तो अभी अभी लगे हो। इस प्रकार के जब व्यंग वचन बोले तब जड़ भरत जी ने अपना मुंह खोला और ऐसे शब्द बोले कि रघुगण के पूरे होश उड़ गए। अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय आज श्री जड़ भरत जी ने दिया। अभी तक जिंदगी में नहीं बोले तो आज ही क्यों बोले? बोले संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई उत्तम पात्र मिलता है। दूसरी बात, जड़ भरत जी इसलिए भी बोले कि बुरा भला जैसा भी सही, पर इसका भार मैंने अपने कंधे पर उठा लिया है। तो संत जिसका भार उठाते हैं उसका फिर कल्याण करके ही छोड़ते हैं। जड़ भरत जी को लगा कि मेरा अपमान करके कहीं नरक में ना गिर जाए, क्योंकि ये नरक में गया तो लोग क्या कहेंगे, संत ने जिसका दायित्व तो कंधे पर उठाया वो भी नरक में ही गिरा, तो संत की महिमा घट जाएगी। इसलिए जड़ भरत जी बोल पड़े कल्याण करने के लिए। पयोदितम व्यक्तम वे प्रलब्धम भरतु समेस्याद यदवीर भार गंतुर यदि स्याददिगम्य मध्वा ईवेतिरासौ न विदां प्रवार। राजन तुम किसे दंड देने की सोच रहे हो? मुझे तो तुम क्या दंड दोगे, क्योंकि न तो मैं पतला हूं ना ही मैं मोटा, न मैं पैदा होता हूं ना ही मैं मरता। ये सारे द्वंद तो शरीर के हैं, मुझ आत्मा में ये कोई विकार नहीं, कोई द्वंद नहीं। मैं तो द्वंद मुक्त परम विशुद्ध आत्म तत्व हूं, जिसका विनाश, जिसका जन्म, जिसका मरण कभी नहीं होता। अब रघुगण का माथा घूमा कि ये बातें तो मैं वेदांतियों से सत्संग में सुनता था, ये ब्रह्मज्ञानी कौन है जिसका जीवन में ज्ञान उतरा हुआ है? उपदेशक मैंने बहुत सुने, पर उपदेश उतरा हुआ तो इस महापुरुष में देख रहा हूं। ध्यान से जब दोबारा देखा, कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया और जड़ भरत जी का जनेऊ देखते ही रघुगण तुरंत पालकी से कूद पड़ा, चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा। कस्त्वं निगूढस्य रसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो वदूतः। क्षमा करें महाराज, आप कौन ब्रह्मज्ञानी हैं? आपकी वाणी कितनी अद्भुत है, आपके शब्दों में कितना अद्भुत आकर्षण है। आपने मेरे हृदय को झनकृत कर दिया। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्रह्मज्ञान से संपन्न कोई ब्रह्मज्ञानी हैं। मैं महाराज किसी से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के क्रोध से मुझे बहुत डर लगता है। कृपा करके अपना परिचय दें। जड़ भरत जी बोले, हम जो भी हैं घबराने की हमसे कोई आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण तो हम अवश्य हैं पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, डरो मत और जो बात करनी है निर्भीक होके कहो। रघुगण ने कहा, तो एक बात पूछना चाहूंगा सिर्फ। क्या? बोले आपने कहा कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं कोई भार नहीं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आया? तो रघुगण दृष्टांत दे के बोला, देखिए महाराज, हमने चूल्हा जलाया, उस पर बटलो ही रखी, उसमें पानी भरा और पानी में चावल डाल दिए, तो पहले चूल्हे की आग बटलो ही को गर्म करेगी, फिर बटलो ही का ताप पानी को गर्म करेगा, फिर पानी की उष्णता चावल को धीरे धीरे सिद्ध कर देगी, पकाकर भात बना देगी। तो जैसे आग की तपन चावल तक पहुंच गई एक दूसरे के संपर्क से, ऐसे ही जब शरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, क्योंकि इंद्रियां शरीर में ही तो स्थित हैं। इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के मालिक मन को भी कष्ट पहुंचेगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित आत्मा पर भी तो कष्ट का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? आत्मा कहां है? शरीर में। तो जब शरीर में कष्ट है तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा? यदि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता तो हम क्यों रोते रहते हैं, हाय हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमें बड़ा कष्ट है। अब ये रोने वाला शरीर है कि आत्मा? तर्क किया रघुगण ने। जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, रघुगण हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों में बैठ बैठ के आत्म तत्व की बातें करना सीख लिया, तुम कुछ नहीं जानते। अच्छा महाराज, तो आप समझाइए। जड़ भरत जी बोले, राजन तुमने जो दृष्टांत दिया आग पानी चावल
बटलोही इन सब का, ये सब सावयव पदार्थ हैं और घटा रहे हो तुम निरवयव आत्म तत्व के साथ। अरे भाई चावल भात आदि जो हैं इनको देख लो, पकड़ लो, छू लो, क्योंकि ये अवयव हैं, ये सावयव पदार्थ है ना, इसलिए देखा छुआ जा सकता है, परंतु आत्मा को कोई देख सकता है क्या? आत्मा को कोई छू सकता है क्या? है शरीर से जब आत्मा जाता है तो आत्मा को आते जाते कोई देखता है क्या? अरे आत्मा परम सूक्ष्म तत्व है, आकाश की तरह है। जैसे आकाश व्याप्त है, कोई आकाश को न पकड़ सकता है, न आकाश को जला सकता है, न आकाश को काट सकता है, जैसे आकाश परम सूक्ष्म तत्व होने के नाते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही आत्मा आकाशवत परम सूक्ष्म है। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इसलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो परम अविनाशी तत्व है। ऐसा अद्भुत आत्म तत्व का प्रतिपादन किया कि रघुगण के होश उड़ गए, चरणों में गिर गए, महाराज आपके वचनों ने मेरे अज्ञान के कपाट हटा दिए। ब्रह्मन बचस्ते मृतम औषधम दे, भवाटिवी का वर्णन, आत्म तत्व का उपदेश दिया, रघुगण का उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित बोले महाराज थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में भी कुछ बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं सात द्वीप सात समुद्र, जम्बू द्वीप के नवखंड, नवखंडों में भगवान का भिन्न भिन्न वास, नवखंडों में जो अजनाब खंड है इसी का नाम भारत भूमि है। भारत वर्ष में नर नारायण ऋषि बद्री विशाल में विराजते हैं, देवर्षि नारद उनकी उपासना करते हैं, भारत ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि। इसलिए इस कर्म भूमि भारत वर्ष में ही भगवान के सारे अवतार हुए हैं। भारत की गौरव गाथा गाई और गंगा मैया की महिमा भी भारत भूमि में मुक्त कंठ सुखदेव जी ने सुनाई। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूय अश्वमेधादि नाम फलम न दुर्लभमिति। गंगा जी में गोता लगाने के लिए जितने कदम चल करके जीव जाता है उतने ही कदम कदम पर उसे बड़े बड़े यज्ञों का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। बोल गंगा मैया की जय। परीक्षित ने पूछा महाराज अब खगोल के बारे में भी बताइए। सुखदेव जी बोले सात लोक नीचे सात लोक ऊपर। नीचे के लोक हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, चौदह भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन के क्षेत्रफल में व्याप्त है। अब समयाभाव में उसका विस्तार नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रहलाद जी के चरित्र तक हमें पहुंचना है। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया भगवान ये बताओ कि मरने के बाद पापी जो नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? तब सुखदेव जी बोले पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है जिसमें 28 महानरक होते हैं, तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव आदि महानरकों में जीव को भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो दूसरों की धन संपत्ति चुरा के भाग जाते हैं ऐसे चोरों को तामिश्र नरक में डाला जाता है, यहाँ तामे के समान आग में तपी हुई भूमि पर उन पापियों को दौड़ाया जाता है, भगाया जाता। घर में आए हुए अतिथियों को जो क्रोध भरी आंखों से देखता है कि अब कौन रोटी बना के खवाए, ऐसे गृहस्थों को वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है जहां गीध उनकी आंख निकाल के खाते हैं। कांप गए परीक्षित, महाराज तो आप बहुत खतरनाक बात बता रहे हो, यदि हमसे कोई पाप बन गया तो क्या नरक में ऐसी यातना भोगनी पड़ेगी? सुखदेव जी बोले बिल्कुल पक्की, तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता हमसे कोई पाप धोखे से हो गया और हम नहीं जाना चाहते नरक में, तो बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ वो उपाय है। क्या उपाय है? बोले यदि कोई से पाप बन जाए तो उस पाप का विधिवत शास्त्र विधि से प्रायश्चित कर ले तो पाप मुक्त हो जाएगा। अच्छा तो जितने पाप हैं उतने प्रायश्चित भी हैं? परीक्षित बोले ये तो झंझट वाली बात है, अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित कोई कहां तक करेगा? प्रभु मुझे तो कोई ऐसा प्रायश्चित बता दो जो सारे पापों को धो डाले। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, भगवान ने ये जो शरीर दिया है ना ये सुंदर निर्मल चादर है कपड़ा, अब कपड़ा निर्मल है कोई भी दाग लग जाए तो तुरंत साफ कर दो,
तो कपड़ा चमकता रहेगा, पर दाग पर दाग लगते गए, सफाई का ध्यान ही नहीं, तो फिर इतना गंदा हो जाएगा कि सीधा लॉटरी में ही भेजना पड़ेगा, फिर आपके बस की बात नहीं है साफ करना। तो पाप बने और तुरंत प्रायश्चित करे तो जीवन निर्मल बना रहेगा, और पाप पर पाप करते गए प्रायश्चित नहीं किया तो फिर धोबी घाट बना के भगवान ने नरकों की व्यवस्था करी है। यमराज मार मार के डंडे सारा पापों के दाग धो डाले, परंतु हम तुम्हें एक ऐसा साबुन बताए देते हैं जिससे सारे पापों के दाग धुल जाते हैं। परीक्षित बोले तो बहुत महंगा होगा ऐसा साबुन। बोले नहीं महंगा नहीं है, बिल्कुल एकदम सस्ता, सरल सहज है, तो बहुत सस्ता पर है इतना पावरफुल कि एक बार तुमने रगड़ दिया इस साबुन को अपने तन की चादर में तो बड़े वैसे बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे, सारे पापों के दाग धुल जाते हैं। महाराज जरा बताओ तो वो साबुन कौन सा, नोट करो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती का स्नेन निहार देव भास्कर। परीक्षित जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान नाम का गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप उसी पल भस्मीभूत हो जाते हैं। बोल कृष्ण बलदेव की जय। परीक्षित बोले तो महाराज ये तो आपने बड़ी गजब की बात बताई, भगवान के नाम का साबुन लगाते ही सारे पाप भस्म। महाराज सच्ची कह रहे हो, कोई प्रमाण है आपके पास ऐसा, आज तक ऐसा कभी हुआ है? सुखदेव जी बोले प्रामाणिक प्रसंग सुनाते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, माता पिता का भक्त, बड़ा विद्वान था, पर जंगल में समिधा बीनने गया, लकड़ी चुनते चुनते एक शूद्र को सरोवर के तट पर एक किसी गणिका के साथ, वैश्या के साथ रमण करते देखा, और उस गणिका के हाव भाव में ये भी प्रभावित हो गया और हमेशा के लिए उसके साथ चला गया। घर परिवार पत्नी पुत्र सबको त्याग कर उसी वैश्या का दास बन के रहने लगा, चोरी डकैती डाल डाल करके उसको धन देता है। उस गणिका से इसने 10 पुत्रों को जन्म दिया और 10वें पुत्र का नाम एक संत के कहने से इसने नारायण रख लिया। जब इसका मृत्यु काल आया और काले काले यमदूत इसे पकड़ने आए तो डर के मारे ही अपने बेटे को बुलाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जो ये शब्द इसके मुंह से निकला, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावते न स्वरोडो चै आजुहाव कुले इंद्रिय। पूरी ताकत से बोला बेटा नारायण बचाओ, तुरंत चार पार्षद भगवान के प्रकट हो गए, मार यमदूतों में धक्का, कालपास से मुक्त कर दिया अजामिल। अब यमदूत विष्णु दूतों से लड़ बैठे, क्यों भाई तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए? तो विष्णु दूतों ने कहा तुम काले कलूटे कहां से आ गए? यमदूतों ने कहा हमें नहीं जानते, यमराज के सेवक हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं, आपका परिचय? विष्णु दूत बोले तो तुम हमको नहीं जानते, हम नारायण के दूत हैं, नारायण को पुकारने वालों को ले जाने का काम हमारा है। इसने नारायण को पुकारा, हम आ गए। यमदूतों ने कहा तुम्हें धोखा हो रहा है, ये अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है, इसके बेटे का नाम है। विष्णु दूतों ने कहा इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है, हमारे मालिक का नारायण नाम अनादिकाल से है, तो बोलो ये नाम किसका मानोगे, बेटे का या हमारे मालिक का? इसलिए मूल रूप में तो हमारे प्रभु का ही नाम हुआ कि नहीं? एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते, वस्तु में जो शक्ति है उसका तुम्हें ज्ञान हो या न हो
पर वस्तु की शक्ति तो अपना काम करके रहेगी। तार में करंट है, ज्ञान हो या न हो, छू लिया तो करंट तो लग के ही रहेगा। जहर में मारने की शक्ति है, ज्ञान हो या न हो, पर जहर पी लिया तो मर के ही रहोगे। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या न हो, पर अमृत पी लिया तो अमर हो के ही रहोगे। अग्नि में दाहकत्व की शक्ति है, इसका ज्ञान हो या न हो, पर आग छू ली तो जल के ही रहोगे। क्योंकि वस्तु की शक्ति अपना काम करेगी, तुम्हारे ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो अच्छा न हो तो कोई फर्क नहीं। तो बिना ज्ञान के आग को छू लो तो जलना ही पड़ेगा, बिना ज्ञान के जहर को पी लो तो मरना ही पड़ेगा, ऐसी बिना ज्ञान के भी भगवान नाम को जप लो तो तरना ही पड़ेगा। भगवान नाम की शक्ति जो तारक है, उसके ज्ञान की तुम्हें योग्यता है तो ठीक, न भी जानकारी हो तो नाम तो तुम्हें तार देगा। ये नाम की शक्ति का चमत्कार है, इसलिए कैसे भी जपो, ज्ञान हो बहुत अच्छा, न हो तो भी अनजाने में भी जपोगे तो भी कल्याण होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाय को भाय अनत आन सुन, नाम जपत मंगल दिस दस, भाय को भाय अनत आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम बड़ाई नाम बड़ाई कहो लगी नाम राम न सकही नाम गुणगा के दूत फिर भी नहीं माने तो विष्णु दूतों ने वो धुनाई करी के भागते ही नजर आए। अजामिल ने ये बातें सुनी तो वैराग्य हो गया और गंगा के तट हरिद्वार में भगवान नाम जपता जपता परम धाम को प्रस्थान कर। यम दूतों ने जाकर के यमराज से शिकायत कर दी, महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई? बोले आपने भेजा था उस पापी को पकड़वाने के लिए, तो पकड़ में तो आया नहीं, पिट के ही आना पड़ा हमको। किसने पीटा? बोले वहां पर चार लोग चले आए और कहते हैं ये हमारा सेवक है, इसने हमारे स्वामी नारायण को पुकारा है। इतना सुनते ही दौड़ के यमराज ने मुंह पे हाथ रख दिया। यमदूतों से कहा भैया ये नाम अब लिया सुलिया दोबारा अपने मुंह से मत लेना। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले ये प्रभु का मंगलमय नाम है जैसे तुम अभी अभी ले रहे थे, और कहीं जोर से दो चार बार तुमने चिल्ला करके ये नाम लिया और ये नरक में पड़े हुए पापियों के कान में आवाज पड़ गई तो मेरा तो सारा कारोबार ही ठप्प हो जाएगा। भगवान नाम के प्रताप से पाप मुक्त होके इनको भेजना पड़ेगा परम धाम, तो मेरा तो सारा नरक सूना पड़ जाएगा, व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए भैया पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना खतरनाक, दूर ही रखो कहीं आग न पकड़ ले। ऐसी पापियों के बीच में भगवान नाम न मत लो, नहीं तो सारे पापी मुक्त हो जाएंगे। यमदूतों ने कहा तो हमें झगड़े में नहीं पड़ना, हमें तो सीधी सीधी एक बात बता दो कि हम किसको पकड़ने जाया करें। यमराज बोले नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदा ध्वम सतो कृत विष्णु कृत्या।